26 जनवरी के दिन जो रायचूर जिला में जो बाबा साहब अंबेडकर का फोटो निकाल के ये जो जज जो कोर्ट जज मल्लिकार्जुन पाटिल ये जो हरकत किया है, ये हरकत के वजह से आज कर्नाटक राज्य में अलोल कलोल मचा दिया है कि भाई एक संविधान रचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर का फोटो निकालने के वजह से मैं 26 जनवरी का झंडा मैं लहराऊंगा बोल के ये मल्लिकार्जुन पाटिल नालायक ये ऐसा हरकत करने के वजह से आज हमने प्रोटेस्ट किया है गुलबर्गा में। ये जब तक अपनी कुर्सी से नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे आने वाले दिनों में। और ये ऐसे लोगों को तुरंत इस कुर्सी से हटाना चाहिए और इसको अट्रासिटी केस डाल के इसको भारत देश से बाहर निकालना चाहिए बोल के ये संदेश मैं मीडिया मुखांतर में बोलना चाहता हूँ। देखिए ये रैली जो ये आज का जो प्रोटेस्ट है गंज से लेके डीसी ऑफिस तक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ये चल रही है और तकरीबन 8,000 से 9,000 पब्लिक यहाँ पे आज हाजिर है। और आने वाले दिनों में ये मल्लिकार्जुन पाटिल जो जज है ये हरकत किया है, ये हरकत के वजह से इसको कुर्सी से हटा देना चाहिए इमिडिएटली। ये राज्य सरकार को हम अपील करते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरा गुलबर्गा बंद करके क्या है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें एक ही समाज नहीं जुड़ा रहेगा, इसमें हर समाज और हर लोग आके क्या ये प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे बोल के ये बाद में माध्यम मुखांतर में बोलना चाहता हूँ। इस जो प्रोटेस्ट में हमारे कमेटी और दूसरे कमेटी के भी पूरे लोग आए हैं और एक ही कमेटी के लोग नहीं है, पूरे कमेटी के लोग मिलके क्या है हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर आज गुलबर्गे में जो मल्लिकार्जुन गौड़ा जजिस है जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपमान किया उसके खिलाफ और कलबुर्गी डीसी ऑफिस के जो गणना राज्य उसके दिन बाबा साहब को और महात्मा गांधी को अन्याय करे जो इलीगल कानून बाहर जो प्लानिंग करके ये आरएसएस वाले अंदर घुस के जो काम कर रहे इस खिलाफ हम आज लड़ाई कर रहे। हमारा लड़ाई एक ही है, ये आरएसएस का घुसपैठी भारत में काम होना चाहिए। जो संविधान के हिसाब से कानून चल रहा है वो कानून को आप ये गौरव करिए और जो कानून के खिलाफ गए गुलबर्गा डीसी और जजेस जो मल्लिकार्जुन गौड़ा दोनों को सस्पेंड करना बोल के हम आज गुलबर्गे में बहुत बड़े पैमाने पे हम धरना कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये आज नहीं सुनेंगे तो आगे गुलबर्गा बंद करने का प्लान है और कर्नाटक बंद करने का भी प्लान है हमारे पास। दिनांक 26/1/2022 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡರವರು ಮನುವಾದಿ ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಫೋಟೋ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ಧ್ವಜಾನಿರೋಹಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೇಶನು ನಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಏನು ಹೇಳಿ ಆ ಫೋಟೋ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರೇ ಬಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಮನುವಾದಿಗೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು PCR ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಗಡೀಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇವರು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಮನುವಾದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಖಾನೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ
ಜೈಲು ಸಜಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. छब्बीस जनवरी गणतंत्र के दिन के अवसर पर रायचूर में जिला सत्र न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो पोर्ट्रेट है वो फोटो है वो फोटो निकालने के बाद ध्वजारोहण कर तुम बोलने के बाद वो फोटो निकाला गया. वो फिर बाद में ध्वजारोहण किया तो इसके वजह से सारे हिंदुस्तान के जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं वो लोगों को अपमान हुआ है, संविधान का उल्लंघन किया है. वो कर्नाटक के जो आदेश है बाबा साहब का फोटो रखने का गणतंत्र का जो आदेश उल्लंघन किया है और कोर्ट के मुताबिक जो 2011 में कोर्ट से आदेश है वो कोर्ट का आदेश बाहर नहीं निकाला, छुपाया गया है. इसके वजह से मल्लिकार्जुन गौड़ा को तुरंत डिसमिस करना, वो जितने भी उनका आस्ती पास्ती है वो मुठगोल डालना और ऐसा ही हमारा डिमांड है. ऐसा ही गुलबर्गा में एक प्रकरण हो चुका है. गुलबर्गा में डीसी और उस्तुवारी सचिव मुरियेश निरानी जो है उन्होंने भी यहाँ पर गांधी जी का नहीं रखा, बाबा साहब का फोटो भी नहीं रखा, अपमान किया है. वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बोल के हम जितने भी गुलबर्ग के आर्मेशन के लोग हैं वो सब लोग मिलके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पर जो प्रादेशिक आयुक्त है उनको मेमोरेंडम देने वाले हैं. तो इसके वास्ते मैं पूरा कर्नाटक सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और सीएम को हम अपील कर रहे हैं. उनका ऊपर दो प्रकरण है, उनके ऊपर दो प्रकरण के ऊपर तुरंत एक्शन होना, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हम भारी तरह से प्रोटेस्ट करके वो हंगामा होगा. बोल के मैं इस प्रोटेस्ट के मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ.